हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह के 5 बजे मैं उठ गई और सुबह सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है बच्चों के लिए लंच बनाना, क्योंकि बच्चों का स्कूल सुबह 7 बजे का है, 7:45 पे उनकी ऑटो आ जाती है। तो यहाँ आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पूरी और चना आलू की सब्ज़ी। तो सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा मतलब काम हो जाते हैं घर के, और हम हाउस वाइफ को कोई समझने वाला नहीं होता है, फिर भी हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। तो यहाँ पर लहसुन देखिए बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे पहले लहसुन और मिर्च कट कर लूँगी मैं। सिंपल सा तड़का देकर सिंपल सा आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो कुछ प्रिपरेशन तो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज जो है मैं जो आधा क्वालिटी में डालूँगी, क्योंकि प्याज का जो टेस्ट है ना चने की सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। तो सिंपल सा मेथी का तड़का और हींग का तड़का देकर, लहसुन मिर्च का तड़का देकर मैं यहाँ पर प्याज डालकर आलू और चना की सब्ज़ी बनाऊँगी। चने जो है मैंने रात में ही बॉयल कर लिए थे। तो सुबह सुबह ना मेरे घर में, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे सास ससुर देवर देवरानी सभी हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, और तीनों का टिफ़िन मुझे सुबह जल्दी ही तैयार करना होता है। तो यहाँ पर जब लहसुन एंड मिर्च हमारी थोड़ी सी लाल हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा खाली सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करेंगे, क्योंकि प्याज का जो मीठापन है ज़्यादा फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम अपने आलू डाल देंगे, चना डाल देंगे। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपना मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर करूं, तो आज फाइनली मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन, जो कि सुबह के 5 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर चाय बन गई है, सभी के लिए मैंने चाय बना ली है। सुबह हमारे ससुर जी भी उठ जाते हैं 5 बजे, तो उनके लिए भी चाय बना ली है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे घर में ना सबको ऑफिस जाना होता है, तो 9 बजे कोई जाता है, कभी कभी तो इतनी जल्दी होती है कि 8 बजे ही चले जाते हैं देवर जी हमारे। तो यहाँ पर दाल मैं चढ़ा देती हूँ, जिससे कि मुझे जल्दी रहती है। तो जल्दी जल्दी ऐसे काम मैनेजमेंट के साथ जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो पहले मैंने पूड़ियाँ निकाल ली, उसके बाद मैंने चने की सब्ज़ी इसमें छोंक दी है। जब तक वो सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं दाल अपनी धोकर चढ़ा दूँगी। तो हम हाउसवाइफ अपने तरीके से अपने काम को मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि किचन के कुछ काम ख़त्म करने के बाद, बच्चों के स्कूल जाने के बाद, फिर मैं क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर दाल बनी रहती है, तो चावल और रोटी जल्दी जल्दी फिर मैं बना लेती हूँ। सबके घर का अपना अपना रूटीन होता है। तो जब तक मेरे चने आलू पक रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर टमाटर कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर और धनिया तो बहुत ढेर सारा डाला है। तो मेरा जो भी सिंपल सा रूटीन है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ही सिंपल सा रूटीन होता है। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, सब्ज़ी भी मेरी पक चुकी है। तो इस जब थोड़ा सा आलू पक जाएंगे तभी हम इसमें टमाटर और धनिया डालेंगे, और टमाटर धनिया एक साथ डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने काम कम्प्लीट करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपनी थायराइड की गोली भी लेनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी रोज वाली थायराइड की गोली, इसको तो मैं कभी मिस नहीं कर सकती अपने डेली रूटीन से। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चना आलू निकाल लिया है मैंने, ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि गरम गरम ना टिफ़िन में नहीं पैक करना चाहिए, वही प्लास्टिक के टिफ़िन में। तो मैं थोड़ा ठंडा करके ही पैक करती हूँ बच्चों का टिफ़िन। और प्लीज़ मेरे लुक को नोटिस मत कीजिएगा, सुबह सुबह कौन मेकअप लगाता है। तो यहाँ पर पहले मैं आंगन में झाड़ू लगाती हूँ, जब तक बच्चे रेडी हो रहे हैं तब तक मैंने उनका टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया है, बच्चे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्लीनिंग फटाफट से स्टार्ट कर दी है, बच्चों के जाने से पहले आधी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि किसी के भी जाने के बाद घर में तुरंत झाड़ू नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर सोफ़ा वोफा कवर सब कुछ झाड़ने के बाद मैंने सही कर दिया है, और गर्मियों के दिनों में ही हम सब यहीं पर सोते हैं, तो ये टेबल वगैरह किनारे कर कर हम यहाँ पर चारपाई डालते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एसी सिर्फ और सिर्फ इसी रूम में लगा हुआ है। तो पूरे कमरे की अच्छे से जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा घर जो खुला है बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है कि खिड़की वगैरह में सब जम जाती है। तो रोज़ का रोज़ ऐसे झाड़ने से ना थोड़ा बहुत क्लीन रहता है। सुबह क्लीन करो, दोपहर में आजकल बहुत हवा चल रही है तो पूरा घर वाइट हो जाता है।
उधर का रूम क्लीन करने के बाद बारी आई मेरे रूम की, तो मेरा रूम तो और खुले में पड़ता है जिसकी वजह से पूरी धूल भर जाती है। तो यहाँ पर मतलब सुबह मुझे 1 से 1.5 घंटा क्लीनिंग में ही लग जाता। आप देख सकते हैं मैट वगैरह में कितने ज़्यादा डस्ट आ गई है। तो यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ बरामदे में 3-3 डोरमेट डालती हूँ और पूरे तखत पे डस्ट आ जाती है। रोज़ का है मेरा ये रूटीन कि तखत को पोछा मारना और इधर की नालियों में पानी डालना, सब क्लीन करना, मेरा रोज़ का ये रूटीन है। यहाँ पर पोछा वगैरह मैं मार देती हूँ। सुबह के 6-6:30 बजे की ये धूप है, मतलब 6 बजे तो मेरे आधे आंगन में धूप हो जाती है, 10 बजे तो आप हमारे आंगन में निकल ही नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप होती है गर्मियों के दिनों में। तो यहाँ पर मैं 3-3 डोरमेट डाल के रखती हूँ ताकि बच्चे रूम में जाने से पहले इस पे नहीं दूसरे तो पैर साफ कर लें। मंदिर के सामने एक अलग से डोरमेट रखती हूँ। तो ये था मेरा क्लीनिंग का सुबह का। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई, सीधे किचन में आई हूँ। अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ मॉर्निंग के समय में, रूम में जाने का समय ही नहीं मिलता। तो देवर जी को ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने कहा पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ, रोटियाँ बना देती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। कहते हैं ना पूजा पाठ भी तभी काम आता है जब सभी लोग खुश होते हैं। तो घर में ही पूजा होती है। अगर कोई व्यक्ति घर से भूखा चला जाए और मैं पूजा ही कर रही हूँ तो मेरी पूजा का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सबको खाना बना कर रख देती हूँ ताकि किसी को भी भूखा ना जाना पड़े मेरे पूजा के चक्कर में। तो यहाँ पर देवर जी को जल्दी थी तो मैंने चावल बनाए, रोटियाँ बनाई, सारी चीज़ें मैं करने के बाद ही पूजन करने जाती हूँ। फिर रोटियां वगैरह जब मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी में ना रोटियां भी नहीं फूलती हैं, क्योंकि किसी को जब लेट हो रहा हो तो मतलब रोटियां भी नहीं फूलती, ऐंठी ऐंठी सी बनती हैं। तो यहाँ पर रोटियां वगैरह मैंने सब बना ली है, भगवान जी का प्रसाद भी बना लिया है, ऑलमोस्ट सारा काम मेरा किचन का ख़त्म हो गया। फिर बारी आई भगवान जी के पास जाने की, मतलब मंदिर की सेवा करने की, पूजा करने की। तो ये शंकर जी की हमारी शिवलिंग पर ना धूल जम जाती है तो मैं रोज़ का रोज़ इसको धुलती हूँ, रोज़ मेरा ये नियम है। ये कुछ चीज़ें जो हैं मेरी रोज़ की हैं, मेन मेन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, मुझसे पहले और लोग भी पूजा करते हैं। तो आज का हमारे पतिदेव का लंच है दही रोटी चावल आलू चना की सब्जी और दाल, बहुत ही सिंपल सा खाना है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो यहाँ पर ये रात की रोटियाँ बची थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं तेल लगाकर तवे पे सेक कर खाने में। किस किस को ये पसंद है ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब जो कुरकुरी सी टाइट सी हो जाती हैं ना। अगर मैं अपना सुबह का नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बैठी थी कि दूध वाले आ गए हैं, फिर मैंने कहा दूध गर्म गर्म करके ही मैं किचन अपने रूम में जाऊंगी। तो फिलहाल ये कपड़े मैंने धोए तो वो लेकर आ गई हूँ अपने रूम में। तो मैं रोज़ 11 बजे से पहले अपने रूम में नहीं आ पाती हूँ और कभी कभी तो आती ही नहीं हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आपसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेकअप लगा लेती हूँ, मेकअप क्या मॉइस्चराइज़र लगाया है, बालों के ऊपर क्लच कर लूँगी। तो हम हाउसवाइफ को ना तो अपने लिए ज़्यादा समय ही नहीं मिलता। कान में मैं रेगुलर नहीं पहनती क्योंकि कान के छेद मेरे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। तो ये रहता है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये था मेरा सुबह मॉर्निंग का 5 बजे से लेकर 11 बजे का रूटीन। और 11 बजे ही मैं अपने रूम में आ पाती हूँ, कभी कभी तो आ भी नहीं पाती हूँ। तो जॉइंट्स फैमिली में ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, किसी को कुछ बुरा ना लगे, कोई नाराज ना हो जाए। फिर भी हम सबके मन की तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। और अगर आगे आप मेरे फुल ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके सुबह के 5 बजे से लेकर 11 बजे तक का रूटीन। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे अच्छे ब्लॉग डालूंगी, शेयर करूंगी, अपनी लाइफ शेयर करूंगी, रूटीन शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ प्रीति अयोध्या से, मैं अपना नाम बताना हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि चैनल का नाम भी प्रीति से ही है, तो सभी जानते हैं मेरा नाम है प्रीति, मैं हूँ अयोध्या से। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर वीडियोज। तो अब मैं अपने कपड़ों को तय करूंगी। फिर ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वैसे तो बहुत कंटिन्यूसली अगर कोई चीज़ शेयर करूंगी, पूरा दिन का शेयर करूंगी तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो कि डेली लाइफ में होता है, डेली होता है, डेली रूटीन होता है। तो और मेरी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।